तो आज हम बनाएंगे साउथ का फेमस अचार, खट्टा भाजी का अचार, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg खट्टा भाजी ले लिया, जिसे वॉश कर लिया है, और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें खट्टा भाजी को डाल देंगे। और अब हम इसे इसका कलर चेंज होने तक 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, भाजी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और अब हम पानी को छान लेंगे और भाजी को ठंडा कर लेंगे। और अब खट्टा भाजी ठंडा हो चुका है, हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने पूरा 3 लहसुन ले लिया है, जिसे छील लिया है, हम इसे भी डाल देंगे। और 8 से 10 लाल मिर्च, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 15 से 20 करी पत्ते। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 lemon के साइज का इमली। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब मैंने पैन पे 1/4 cup सरसों का तेल ले लिया है, और अब हम इसमें 1 tablespoon सरसों डाल देंगे। और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए खट्टा भाजी को भी डाल देंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये नीचे से चिपकने लगेगा और उसके बाद जल जाएगा, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं। और अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, और ये पैन पे भी नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसमें 1.5 tablespoon नमक डाल देंगे, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर और 1 tablespoon गुड़। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 4 to 5 minutes के लिए और पकने देंगे। और अब 4 to 5 minutes हो चुके हैं, हमारा खट्टा भाजी जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे कम क्वांटिटी में बनाई हूँ, इसलिए मैंने इसमें कम ऑयल का यूज किया है। अगर आप इसे साल भर के लिए बनाएं तो इसमें सरसों का तेल जो है ज्यादा डाल के आप इसे बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो आज हम बनाएंगे खट्टा भाजी फ्राइड राइस। आप इसे गोंगूरा पुलिहोरा भी कह सकते हैं, क्योंकि तेलुगु में खट्टा भाजी को गोंगूरा कहा जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खट्टा भाजी को 3 to 4 minutes के लिए बॉईल कर लेंगे, उसके बाद इसे छान के ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खट्टा भाजी में 2 लाल मिर्च डाल के इसे ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने पैन में 5 tablespoon ऑयल ले लिया है, और अब मैंने ले लिया 1/4 cup फली, और अब हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। और अभी फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू ले लिए, हम इसे भी फ्राई करके निकाल लें। और अभी फ्राई हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 tablespoon मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे, 1/2 tablespoon क्यूमिन सीड्स, 1 tablespoon चना दाल, 1 tablespoon उड़द दाल, 3 red chilies, 12 to 15 करी लीव्स। और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए खट्टा भाजी को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लें। और अब ये भी फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें 1 cup कुक्ड राइस डाल देंगे, 1/2 tablespoon नमक, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी मिक्स हो चुका है, हम ऊपर से फ्राई किए हुए फली और काजू को इसमें डाल देंगे। और अब हमारा गोंगूरा पुलिहोरा बिल्कुल तैयार है।
आज हम बनाएंगे खट्टा भाजी दाल फ्राई, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 बोल खट्टा भाजी ले ली जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 कप वॉश तूर दाल, 1 अनियन फाइनली चॉप, 1 टमाटो फाइनली चॉप, 1 ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, 2/3 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। और अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकर में डाल देंगे। और अब हम इस पे 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे 4 मिसल आने तक बॉईल कर लेंगे। और अब 4 मिसल हो चुके हैं, हमारा दाल पक चुका है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम तड़के के लिए लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, 4 गार्लिक क्लॉव्स, 1/4 टेबल स्पून मसल सीड्स, 1/4 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 2 रेड चिलीज। आज हम बनाएंगे खट्टा भाजी की चटनी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खट्टा भाजी ले लिया है और अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे 4-5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। और अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम इसे छान लेंगे। तो मैंने इसे छान लिया है, तो यहाँ पे मैंने पैन पे 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें 10 से 15 लहसुन डाल देंगे, 4 लाल मिर्च, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये हल्का फ्राई हो चुका है, हम इसमें खट्टा भाजी को भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अब 2-3 मिनट्स हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सी जार में ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। मैं नमक डालते वक्त जो है कैमरा ऑन करना भूल गई थी। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी को एक बोल में ले लिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे।